के न्यूज खबरों की नई पहचान। लोकतंत्र का भाग्य विधाता बने जागरूक हर मतदाता। भारत निर्वाचन आयोग लेकर आया है वोटर वेरिफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल यानी VVPAT। इस बार जब आप EVM में अपने पसंद के प्रत्याशी का बटन दबाएं तो ध्यान रखें, EVM पर पसंद के प्रत्याशी के नाम के सामने लाल बत्ती जलेगी और ठीक उसी समय EVM के बगल में रखे हुए VVPAT के प्रिंटर में एक पर्ची छपती है। 7 सेकंड बाद तक यह पर्ची स्वयं कटकर बॉक्स में गिर जाती है। उसे देखकर यह सुनिश्चित कर लें कि पर्ची पर आपके द्वारा चुने गए प्रत्याशी की क्रम संख्या, प्रत्याशी का नाम एवं उसका चुनाव चिन्ह दर्ज है। ये इस बात का सबूत है कि आपका वोट आपके पसंद के प्रत्याशी को ही गया है। यह जानकारी मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनहित में जारी। लोकतंत्र का भाग्य विधाता बने जागरूक हर मतदाता। धनबाद में फूटा छात्रों का गुस्सा। आपको बता दें कि हैदराबाद में डॉक्टर से गैंग रेप और फिर हत्या का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। आपको बता दें कि बीते दिनों हैदराबाद में घटी घटना से देश की रूह कांप गई थी। ऐसी घटना जिसे सुन किसी के पैर के नीचे से जमीन खिसक जाएगी, सांसें रुक जाएगी, शर्म से नजर नहीं उठेगी। वही इस घटना के बाद धनबाद के छात्रों ने रणधीर वर्मा चौक पर एकजुट होकर नारेबाजी की और आरोपी को मौत की सजा मांग की। वही छात्रों का मानो तो जब तक कोई कड़े कानून नहीं बनता है तब तक लड़कियों के साथ ऐसा घटना घटते रहेगा। इस पर सरकार कोई कड़ी कानून लाए। हम नारी हैं, इसका मतलब कमजोर नहीं है कि सब हम भी शोषित करें। ये कोई बात में बात नहीं हुआ। जिस लड़की के साथ ऐसा हुआ उस इंसान लोगों को वो लोग जला के मार देना चाहिए। फांसी उस वो लोग के लिए बहुत कम से चाहिए। ऐसी घटना पहले भी दिल्ली में हो चुकी है। अब बस और नारी कितना सहेगी। अरे यार उनके भी घर में बेटियां हैं। तो आज आप लोग क्या निकाले हैं? हम लोग आंदोलन के लिए आंदोलन निकाले हैं। सबको जस्टिस चाहिए। जल्दी से खत्म हो जाने कैंडल मार्च। क्या कैंडल मार्च क्या हुआ उससे? कुछ भी नहीं। रुको, वो मिला उसको। हम लोग चाहते हैं कि बस उसको जस्टिस मिले। इतना गलत लड़की के साथ क्यों हो रहा है? यहाँ का प्रशासन क्या कर रहा है? पुलिस प्रशासन क्या कर रही है? यहाँ पे ऐसी घटना क्यों गलत हो रहा है? हम लोग प्रियंका रेड्डी का समर्थन कर रहे हैं। ऐसी घटना पहले भी दिल्ली में हो चुकी थी जिसके वजह से पूरे देश में भी रैली निकली थी, लेकिन कानून व्यवस्था की वजह से इतनी कमजोर है कि लोगों को फिर से हिम्मत मिल रही है ऐसे काम करने की। इसके जिम्मेदार कौन है? प्रशासन है। प्रशासन कोई कठोर कदम नहीं उठा।